मैं गुरु श्री राम शर्माचार्य जी के चरणों में, माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के चरणों पर भी मैं पुष्प अर्पित करता हूं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के हम लोग के बीच, गायत्री परिवार के बीच और हम लोग के, पहले सुनने को मिलता था कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार के विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोग बिहारवासियों को गर्व महसूस होना चाहिए कि आज जितना आराम से हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के बीच मिलते हैं, उसी तरह हम लोग रात दिन एक छोटा पूजा में भी विधानसभा अध्यक्ष जी के यहाँ अगर जाते हैं तो हम लोग के भाई मनीष जी ने कहा कि लगता ही नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम लोग के अभी के जीवन में ये मंदिर है, ये कोई मंच भाषण का नहीं है कि झूठ सच बोलना है, वोट लेके चल जाना है। मैंने पहली बार हम लोग के जीवन में, अभी के 40 साल 42 साल के जीवन में, हमारे अध्यक्ष भी हैं पार्टी के पूर्व, अभी विधानसभा के अध्यक्ष, और हम भी अपना इनको गुरु मानते हैं कि जब चले जाइए इनके घर में जाने के बाद लगता है कि कोई विधानसभा का अध्यक्ष नहीं, ये कोई मंदिर है। इतना सुगंधित अगरबत्ती का सुगंध लीजिए, कुछ देर बाद आइए, जब अध्यक्ष जी आते हैं तो अगर किसी का बीपी भी बढ़ा हुआ हो, अगर बीमारी भी है, तो इनका चेहरा से जैसे अच्छा डॉक्टर के यहाँ जाइए तो सबसे पहले पूछेगा शराब पीते हैं, अरे हमारे इलाज कराने आप शराब पूछ रहे हैं। लेकिन हम लोग के अध्यक्ष जी के यहाँ जाइएगा तो बड़ा से भी बड़ा बीमारी इनको देखने के बाद बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगा। बीमारी के मतलब जानते ही हैं, मेरे यहाँ या कोई नेता राजनेता के यहाँ लोग क्यों जाता है, सब लोग कुछ ना कुछ काम से ही जाता है, बिना काम के आज के तारीख में कोई कहीं नहीं जाता है। तो हम लोग के गर्व महसूस होना चाहिए कि आज हम लोग के बीच माननीय बिहार विधानसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष और हम लोग के गार्जियन श्री विजय चौधरी जी, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, विद्वान शिक्षा मंत्री, हम लोग के बड़े भाई श्री अशोक चौधरी जी, हम लोग के गार्जियन अभिभावक, इनके पास जब मैं गया शांति कुंज, हम भी, मेरा भी यही काम है मंदिर मस्जिद घूमना दिन भर, सब चीज हम देख लिए, कहीं शांति नहीं है, एक ही जगह शांति मिलता है, बाकी जगह तो भागे दौड़ है कि आज यहाँ वहाँ। लेकिन अगर किसी भी, आप लोग भी गए होंगे, अगर दुनिया देखना है, हर मंदिर में हम गए हैं, लेकिन सच्चा अगर दुनिया देखना है तो आप हरिद्वार के शांति कुंज चले जाइए, वही एक जगह मैंने देखा, और कहीं होगा लेकिन हम नहीं देखे हैं। लेकिन शांति कुंज में हम देखे हैं कि यहाँ ना कोई VIP है और ना कोई VVIP है, एकदम आराम से पूजा कीजिए, हवन कीजिए, गुरुदेव जी से भी, जो हम लोग के आज के तारीख में किसी को राज्यसभा और MLC का जगह मिले और वो अस्वीकार करे, उसमें से एक हम लोग के गुरु पांड्या साहब है। ना तो आप भी जानते होंगे, हर लोग चाहता है कि हमको बड़ा से बड़ा पद मिले, ऐसा धरती पे बहुत कम होगा जो खोजता होगा कि हमारा पद नहीं मिले। और हम लोग के भाई ज्ञान प्रकाश जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय यूनिवर्सल जांच के डॉक्टर भाई मनोज जी, दानापुर के वार्ड पार्षद, जदयू के लोकप्रिय नेता भाई सुबोध यादव जी, और हमारे आप लोग भाइयों बहनों, हम तो बोलते हैं कम, भाषण उषण देते नहीं हैं, और आप लोग भी आए हैं माननीय अध्यक्ष जी को सुनने, हम तो आपके बीच हमेशा, आप सुन ही लिए, हम नारद का भूमिका में रहते हैं। तो मेरा काम है कि आज के तारीख में ऐसे लोग को हम जोड़ना चाहते हैं हर जगह, जो लोग सच में कुछ समय के लिए भी ईश्वर पे विश्वास करें। बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, बहुत कम लोग हैं। लेकिन आज आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं,
समझ लीजिए कि सब लोग आप ही जैसे पुजारी लोग हैं, कितना हो बिजी लाइफ हो, लेकिन ये लोग बिना पूजा पाठ के कहीं अपना निकलने का भी काम नहीं करते हैं। आज बहुत खुशी का भी दिन है और हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा एक ही नारा है कि कहीं कोई सहारा न मिले तो मेरे यहाँ आप लोग आ जाइए, तन मन धन मैं आपके साथ हूँ, जहाँ खोजिएगा, रात हो दिन हो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छोटू।